अच्छा तेज तो नहीं हो रहा, आई एम माय स्पीड इज ओके, आर यू एबल और आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस यस ओके ओके। क्योंकि आप लोग अब एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, आपको थोड़ा ये समझना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी का बेसिक क्या है। तो ऐसा बोला शास्त्र के अंदर कि प्रारब्ध में तीन चीजें होती हैं, आयु, योर एज, लॉन्जेटिविटी, दैट इज योर प्रारब्ध, यू कैन नॉट चेंज इट। आपका जाति, जाति जैसे ही मैंने बोला तो योर पेरेंट्स ऑल्सो कम इन टू प्रारब्ध, क्योंकि पेरेंट्स से ही हम जाति लेते हैं। ओके सो प्रारब्ध में आयु, जाति और नंबर 3 भोग। सो आप इस जीवन के अंदर जो भी आनंद उठाते हैं वो प्रारब्ध से आता है। सो क्रियामान आगामी बनाता है, आगामी संचित के रूप में आता है, संचित से कुछ कर्म ऐसे निकलते हैं जो प्रारब्ध है, और ये सर्किल हमारे जीवन में चलता रहता है। जैसे मान लो आप अपने लाइफ के अंदर काफी सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको आप देखोगे तो वो यू विल फाइंड देम यूजलेस, कि वो किसी भी लायक नहीं है, बट वो लोग आपको दिखेंगे कि वो बहुत ही मजे से ये जीवन काट रहे हैं। पीपल लाइक हु आर बोर्न टू वेरी रिच फादर्स, वो देखेगा आपको लगेगा कि उनमें हो सकता है बुद्धि का अभाव हो, लेकिन वो बहुत आनंद में ये जीवन काट रहे। रीजन ये है उसके पीछे कि उनका प्रारब्ध कर्म जो मैंने बोला आयु, जाति और भोग, आपको इस जीवन के अंदर क्या क्या भोगना है ये प्रारब्ध से डिसाइड होता है, और उनका प्रारब्ध अच्छा था। तो ज्योतिष हमें ये बताता है, जब हम चार्ट देखते हैं वो प्रारब्ध कर्म हम उसमें से देख पाते हैं। तो अध्यात्म के लिए इसको इसीलिए इम्पोर्टेंट माना कि जब मैं ये समझता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे जो मुझे सामने दिख रहा है, he is enjoying best of his life in spite of the fact that he is a fool man, he is a foolish man, तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग देता है उस समय ज्योतिष कि मैं उसके प्रति कंपैशन रख पाऊं, अपने प्रति भी कंपैशन रख पाऊं, और ये बात समझ पाऊं कि उसका प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है कि उसका क्रियामान, मतलब कि उसका इस जन्म का कर्म उसको इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि आयु, जाति तो वो ही है, सपोज गांधी फैमिली, द ओनली क्वालिफिकेशन एनीबडी हु इज बोर्न इन द गांधी फैमिली इज द फैमिली, जाति, वो फैमिली में पैदा हो गया तो पर्याप्त है उसके लिए पूरा जीवन काटने के लिए, करेक्ट है? यस। तो उनका प्रारब्ध स्ट्रांग है। तो मैं ये कंपैशन एज एन एस्ट्रोलॉजर, जब आप इस विज्ञान को सीखते हो तो आप ये कंपैशन डेवलप कर पाते हो, आपको ईर्ष्या का भाव नहीं होता, जलन का भाव नहीं होता, कंपैरिजन का भाव नहीं होता। आप ये समझ पाते हो कि ये व्यक्ति प्रारब्ध इतना बड़ा, इतना अच्छा लेकर आया कि उसको ये भोग रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। ओके सो इज इट इंटरेस्टिंग? यस। ओके अभी तो पहले ही ओवर है। तो अब इसके बाद जो बहस आती है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आती है, जो हम इंटेलेक्चुअल्स बहुत करते हैं, वो आती है कि ज्योतिष को जनरली ये समझा जाता है कि ये मुझे भाग्यवादी बना देगा। सही है? ऐसा होता है? हाँ भैया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब मैं सीख रही थी तो कोई मैं सुपरस्टिशियस नहीं हो जाऊं चीजों को लेके, कि अरे ऐसा ही होगा, मतलब मुझे ये थोड़ा सा था सीखने से पहले, है ना। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष ऐसी विद्या है जो हमें ये बताती है कि हमें कर्मशील होना चाहिए। इट इज रॉन्गली अंडरस्टूड दैट इफ यू आर विजिटिंग एन एस्ट्रोलॉजर और इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फेट लेस कर्म, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 4 तरीके के जब हम कर्म करते हैं उससे हमारा चार्ट बनता है। सो आपके पास जो हमेशा एक बहस का विषय रहता है फ्री विल और डेस्टिनी वाला, तो चूंकि कर्म का जो पैटर्न है वो है आगामी से क्रियामान से आगामी से प्रारब्ध और संचित बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी एज ए विज्ञान हमें यह बताता है कि अगर प्रारब्ध कमजोर हो तो भी अगर क्रियामान कर्म मतलब करंट में आप जो कर्म कर रहे हैं वो अगर आपका सात्विक कर्म है तो आपका आगामी अच्छा होगा। आर यू एबल टू रिलेट इट? यस। So it is a superstition, it is a myth that Jyotish or astrology will lead you towards more fate tendency. Astrology का जो basic उपयोग या ज्योतिष का जो basic उपयोग है वो ये है, ये विज्ञान हमें ये बताता है कि हमें किस समय पर कौन सा कर्म करेंगे तो हमें ज्यादा मुक्ति का भाव आएगा या materialistic वर्ड में अगर हम बात करें तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से प्रसन्न रह पाएंगे। This is the basic objective, basic लॉजिक बिहाइंड ज्योतिष। और 3 तरीके के कर्म इसमें बताए। पहला, ऐसी एक्टिविटीज जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि जन्म मरण परण मैंने आपको बताया। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज जिनको आप चेंज कर सकते हो थ्रू रेमेडीज। और तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोध दिस कर्म, कि आपको पिछले जन्म का प्रारब्ध से कोई आदत आ गई, जैसे मान लो आपके अंदर फियर आ गया किसी चीज को लेकर। अब फियर कहां से आता है कोई बता सकता है? कोई नहीं जानता। हमें यह पता रहता है कि मैं ऊंचाई से डरता हूं, बट वो कहां से आया ये नहीं पता। तो तीसरे इस तरीके की एक्टिविटीज जिसमें कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिनको जो कि पिछले जन्म से आती हैं और इस जन्म में लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। तो यहां पर रेमेडीज काम आती। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स हम पहले ज्योतिष एज ए विज्ञान सीखेंगे, उसके लॉजिक सीखेंगे, प्रेडिक्शन की टेक्निक सीखेंगे, कहां से चालू हुआ, 0 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स I'll tell you the remedies to solve it. Now remedies generally ऐसा बोला जाता है, ऐसा दिखता है हमें कि बहुत कठिन कठिन remedies लोग सजेस्ट करते हैं आजकल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही शास्त्र में कहीं लिखा है इस तरीके का। Remedies can be like I will put more effort from today. I will be more generous. मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा आज से। मैं किसी एक जानवर की रक्षा करूंगा। मैं किसी पौधे को पानी दूंगा। These kind of remedies also works very fine, क्योंकि कर्मों की गति, ऐसा गुरुदेव भी कहते हैं, कर्मों की गति न्यारी है, इसलिए हमें इतना पता नहीं चलता कि कोई भी चीज हमारे जीवन के अंदर आई है वो किस कारण से आई है। बट थ्रू चार्ट, थ्रू एस्ट्रोलॉजी हम ये समझ सकते हैं और लेटर स्टेज पे आप भी आइडेंटिफाई करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि मुझे अगर या किसी जातक को या किसी नेटिव को ये समस्या है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है या वो किस कारण से आई होगी। ठीक है? यस। ओके। तो पहले आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है वो पूछो, फिर मैं एक बेसिक से कुछ स्टार्ट आज करूंगा। भैया जी, भैया जैसे क्रियामान अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत करा, वो क्रियामान हुआ और उसका जो असर हुआ दैट इज आगामी, दैट इज योर आगामी, दैट इज। फिर उसके बाद संचित होता है कि प्रारब्ध होता है? उसके बाद संचित और संचित से प्रारब्ध। जैसे देखो थोड़ा सा संचित का एक बार एक्सप्लेन। संचित में वो सब चीजें आती हैं जो कि जैसे कि मान लो आपकी कुछ आदतें हो गई, जो एक्यूमुलेशन आप कर लेते हो वो संचित में आता है। और प्रारब्ध उसके आगे की सीढ़ी है। प्रारब्ध मतलब वो क्रिया जब आगे फॉरवर्ड हो गई और वो हमारा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो बन गया, वो लास्ट बर्थ के नेक्स्ट बर्थ, लास्ट बर्थ का जो कैरी फॉरवर्ड होता है दैट इज प्रारब्ध। तो उसके अंदर चेंजेस, जैसे मैंने प्रारब्ध में आपको क्या बोला, प्रारब्ध में मैंने आपको बोला जाति, आयु और भोग। एंड संचित हमारी हैबिट्स। हाँ ठीक है। तो ये बताने के लिए केवल एक चीज है, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें इतना उलझे, बट बेसिक ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे आपके कर्म फॉर्म होते हैं और कैसे आप उसको अपने जीवन में वो मैनिफेस्ट होते दिखते हैं। तो 5 तत्व से ये दुनिया बनी, करेक्ट है? Yes. कौन कौन से 5 तत्व? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। ठीक है, तो हम कहते हैं पंच महाभूत से दुनिया बनी। पंच महाभूत में आया भूमि, आकाश, अग्नि, वायु और जल। एवरीबॉडी नोज इट। और पांच तत्व जो पंच महाभूत है, हमारा शरीर भी इसी से बना। तो हमारे शरीर के अंदर भूमि तत्व है, जिसके कारण आप और मैं इस समय बैठे हुए हैं। अग्नि तत्व है, तो हमें भूख लगती है, हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे अंदर जो फायर है कोई अचीव करने की, वो अग्नि के कारण आती है। ठीक है, फिर जल तत्व है, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारा लाइफ का, हमारा बॉडी के अंदर 70% पानी है। धरती में भी 70% पानी है, 70 या 80% पानी है। तो हमारे शरीर के अंदर भी पानी का रेशियो इतना ज्यादा है। फिर वायु तत्व है, तो वायु हमारे आसपास भी है और हमारे शरीर के अंदर भी, राइट? तो हम सांस लेते हैं, दैट इज वायु तत्व। और आकाश तत्व, तो हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है, हॉलोनेस है, और हम स्पेस में ही है, हमारे आसपास भी स्पेस। तो ये जो 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन है, उसके हिसाब से हमें विचार आते हैं। जैसे एक नॉर्मल प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई मुझे विचार आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो ये 5 तत्व का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसके हिसाब से हमें विचार आते हैं और वो विचार पर हम एक्ट करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स जो है, उन 5 तत्वों की जिम्मेदारी एक एक प्लेनेट को दी गई, या एक एक प्लेनेट इन 5 तत्वों को, 1 या 2 प्लेनेट, कुछ तत्व ऐसे जिसको 2 प्लेनेट कंट्रोल करते हैं, वो जब उसकी जिम्मेदारी उठाई, और वो जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट ऊपर अंतरिक्ष के अंदर लगातार अपनी गति से घूम रहे होते हैं। पृथ्वी को भी एक प्लेनेट माना, बट चूंकि हम सब पृथ्वी पे रहते हैं, मंगल पे नहीं रहते, इसीलिए जब हम 9 प्लेनेट या 7 प्लेनेट गिनते हैं, उसमें हम पृथ्वी को नहीं गिनते। हो सकता है कोई इस समय मंगल पे बैठ के एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले रहा हो, तो वो पृथ्वी की बात कर रहा हो कि पृथ्वी एक प्लेनेट है, उसको पृथ्वी बहुत परेशान कर रही है। जैसे हम बात करते हैं ना कि शनि परेशान कर रहा है, ऐसे मंगल पे कोई क्लास ले रहा होगा तो बोल रहा होगा पृथ्वी बहुत परेशान कर रही है यार उसको। बट सिंस वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, सो वी कंसीडर 7 प्लेनेट्स प्लस 2 प्लेनेट और है, राहु केतु, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो वो प्लेनेट को हमने 9 प्लेनेट माना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर स्टार्टिंग दिस, और मे बी आई डोंट नो, आई विल स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन टुडे और टुमारो मॉर्निंग, देयर आर सम प्रीरिक्विजिट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। कुछ प्राथमिकता या कुछ मस्ट डू थिंग है एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। आर यू रेडी टू लिसन इट? यस। यस। ओके जी। पहला, एस्ट्रोलॉजर एक सेवक है, और उसका जो काम है वो दूसरों को काल के विषय में बताकर उनके जीवन की क्वालिटी को सुधारना है। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी परसेप्शन अबाउट एनीबॉडी, कि वो ऐसा है, बुरा है, ये है, वो है। दूसरा, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहते हैं। संस्कृत शब्द जो ज्योतिषी के लिए है वो दैवज्ञ है। दैवज्ञ मतलब कि देवताओं को जानने वाले। तो हम वो बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, हम वो बात, देवताओं का संदेश आम जनता तक पहुंचाते। सो वी आर सिंपली रीडर्स, हम सिंपल रीडर हैं। हमें इस चीज का अभिमान करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ये, मतलब ये निषेध है कि आप इस विद्या पर अभिमान करें। आप ग्रह की बात, आपको देवताओं ने चुना है ग्रह की बात बताने के लिए। सो somebody who is very near to God, somebody who is very near to devtas are called दैवज्ञ। So this is a very sacred profession, इसलिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखा गया कि आपका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें जिसके लिए बोला गया वो ये है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड प्रैक्टिस गायत्री।